लाइट चली गई थी यहाँ पे। एक रुपया मत दीजिएगा। अभी बज रहे हैं 3:44। अगर आप नेपाल आने वाले हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। अगर आपको नेपाल आना है तो सबसे पहले आपको लोकमान्य तिलक जाना है, और मैं जिस ट्रेन से ट्रैवल किया हूँ उसका नंबर है 11081, और ये गाड़ी है LTT गोरखपुर, जिसका ट्रैवल टाइम है कुछ 34 घंटे का। मैं जिससे फ़िलहाल ट्रैवल कर रहा था वो 1.5 घंटे कुछ लेट पहुँची है प्लेटफॉर्म पर, जिस वजह से अभी जो टाइम हो रहा है वो लगभग 3:44 हो रहे रात के। 14 तारीख को मैंने 4:40 की ट्रेन थी, और मुझे इसने 16 तारीख को कुछ रात के 3:44 पर छोड़ा है। 34 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। चलो मैं आगे जो भी करूँगा वो आपको बताऊँगा। फ़िलहाल मैं गोरखपुर स्टेशन पहुँचा हूँ, और यहाँ से हम लोग अभी आगे का सफ़र पूरा करेंगे। बैग ना स्ट्रेट रखो, तुम तुम्हारे को वेट नहीं झेलना पड़ेगा। नहीं स्ट्रेट रखा ना, उसके व्हील के ऊपर ये हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। ये मेरे साथ मेरे राज भाई है, हाथ दिखा दो तुम। छोड़ छोड़ चलेगा, क्या पब्लिक हुई हुई है। कुछ देर पहले प्लेटफॉर्म पर लाइट चली गई थी यहाँ पे, ये पहली बार देखा मैंने। अब फिलहाल टैक्सी देखेंगे हम लोग। मिल गई, मुझे पता है एक सवारी खड़ी हुई थी। अभी 4 नंबर गेट से एग्जिट किया है, और फिलहाल बावतुल कर रहे हैं हम लोग सोनोली बॉर्डर जाने के लिए। एक रुपया नहीं लेंगे, बताइए। एक रुपया मत दीजिएगा, एक रुपया मत दीजिएगा। 350 5000 डालना पड़ेगा, 5000 डालना पड़ेगा। ये परेशानी है ना, टेबल अच्छा आता था बात पैसे की नहीं, दूरी से देख लीजिए, तेल देख लीजिए। मुझे कहूँ 1800 लीजिए, जाते 4 आदमी जाएगा, आराम रहेगा। एक आदमी खड़ा देखिए, अगर वो 300 लेके 6 आदमी नहीं, वो बोल रहे 6 आदमी बिठाएगी, वो शिफ्ट में थी ना, उसको 6 आदमी बैठे, डब के मारना पड़ेगा क्या। फिलहाल सोनाली बॉर्डर का हो गया है, 400 रुपये एक पर्सन का बोला है, 6 लोगों को ठूसेगा नहीं। गाड़ी में बिचके हाँ नहीं वैसे 100 रुपये भी ज़्यादा दिखे। हाँ पर थोड़ा सुकून तो रहेगा, वो इसलिए मैं बोला मैं चल देते थोड़ा। ये भी डाल दो, ये सब डाल जगह बहुत। भैया ही है सवारी, भैया सामान भर दिए गाड़ी में, हम निकलते आगे। 400 रुपीज़ शेयरिंग लग रहा है पर सीट का, और फिलहाल 4 लोगों को बिठाया है, और अगर 4 या 5 या 6 लोग रहेंगे तो 300 या 350 में भी चले जाते हैं।
फ़िलहाल सोनोली बॉर्डर आ चुका हूँ मैं और करेंसी एक्सचेंज करवा चुका हूँ। मतलब यहाँ के इंडियन में 1 रुपये का यहाँ पे 1.60 रुपया मिलता है। मतलब फ़िलहाल मैंने 3,000 रुपये एक्सचेंज करवाया जिसके बदले मुझे कुछ 4,800 रुपये मिले हैं। बॉर्डर का सीन दिखा देता हूँ, ये इंडिया के साइड से है और यहाँ पे ऐसी रिक्शा चलती है और ये इंडिया की तरफ से बॉर्डर का सीन है। अपने को बैग यहाँ पे चेक करवाना पड़ेगा, आपके यहाँ पे चेक कराएगा और जाते वक्त इस साइड चेक कराएगा। आपका आते वक्त यहाँ पे चेक होगा, अच्छा यहाँ पे नॉर्मली ये साइड जो है यहाँ पे लगेज चेक आने के टाइम पे होता है नेपाल से, लेकिन आज ज़्यादा टाइम पे हो रहा है। ये ऐसा है, इसके ऊपर हम लोगों का सामान चढ़ा हुआ है। फिलहाल चेकिंग हो चुकी है जैसे तैसे जो भी है, इंडिया का साइड पार हो गया, ये नेपाल के साइड पहुंच गए हम लोग। हमारा सामान वो गाड़ी में जा रहा है, फिलहाल लगेज जो भी है। ये साइड जो है यहाँ पे टैक्सी मिल जाएगी जाने के लिए और यहाँ से हम लोग जो जा रहे हैं इसके जस्ट लेफ्ट साइड में जो है यहाँ पर गाड़ी के लिए अगर आप लेके जा रहे हैं इंडिया से कोई गाड़ी तो उसका परमिट यहाँ पे मिलता है। कुछ बाइक का 150 रुपये कुछ था, कार का आई थिंक 300 है, 300 पर डे के हिसाब से। और अगर आप जो दिन का सोच के आ रहे हो कि मतलब 4 दिन 5 दिन उससे 1 दिन एक्स्ट्रा का ही पास बनवा कर आओ परमिट, नहीं तो कई बार फाइन लग जाता है, आई थिंक 2,000 का कुछ चालान है। और यहाँ पर हो जाएगा चेक होती है, ये ना कस्टम चेक। अच्छा, ये कस्टम चेकिंग वाला सिस्टम है नेपाल का। नहीं चलेगा ना, यहाँ पे मनी एक्सचेंज का है एक ऑफिस, यहाँ भी है। यहाँ पर मनी एक्सचेंज हो जाती है और जो मैं रेट बता चुका हूँ सेम वही हिसाब में मिलता है पैसा, 1 रुपये के बदले 1.60 रुपये मिलते हैं। वो काम आराम से आपका हो जाएगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं काठमांडू के लिए बस पकड़ने, राज ने भी काफ़ी हेल्प की, नहीं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ₹1,000 बोला मैंने, आ दो इधर आ, चलो कहीं नहीं। फिलहाल बस का बहुत उलझम नहीं रहा, देखते आगे जाके। नहीं नहीं चलेगा, नहीं उठा देता हूँ, नहीं नहीं दे दो, बस बस उतनी हेल्प करती उतना ही काफ़ी। साइड से चलो, बस गाड़ी को ध्यान देना। अभी 900 रुपये बोले ना वो चाहिए, हिंदी हिंदी बोल। ठीक है नहीं चलेगा, ऊपर लेके जाता हूँ ना, ऊपर लेके जाओगे? हाँ ऊपर लेके चले मेरे अंदर। ठीक है 900 रुपये देना, ठीक है नहीं आएगा क्या? अंदर रखिए सीट के अंदर, ठीक है? एक देना हो, एक ना।
चलो 900 रुपये बोला 900। हाँ हाँ चलो बोल देना मेरे को। हाँ हाँ ठीक है संभाल के जाओ। आपने सिम नहीं वहाँ जाके ले लूँगा मैं। ठीक है ठीक है चलो संभाल के जाओ। हाँ बाय थैंक यू। Thank you.